आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे कुछ जानकारियाँ, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखेगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, और हम यहाँ पे 2007 वाला जो वर्जन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जब पावर पॉइंट को ओपन किया है तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इस स्क्रीन के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको जो दिख रहा है ये है टाइटल बार, ये एमएस वर्ड और एक्सेल की तरह ही आपका मेन्यू है, मेन्यू टैब्स, और ये इनके साथ रिबन्स दिए हुए हैं। बाकी सारे ऑप्शंस जैसे ऑल्ट वाले ऑप्शन या मेन्यू को हाइड करना और शो करने का ऑप्शन, ऑफिस बटन, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है इसमें। यहाँ पर बीच में जो एरिया दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग दिखेगा वर्ड और एक्सेल की अपेक्षा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कई पेज होते हैं, पेज में कई पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कई लाइंस, एक लाइन में कई वर्ड्स होते हैं। तो एमएस वर्ड में हमें डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, जबकि एक्सेल में हम वर्क बुक तैयार करते हैं, और एक वर्क बुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं, शीट के अंदर आपका रो एंड कॉलम्स होते हैं, और रो और कॉलम्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल बोलते हैं, सेल के अंदर डेटा होता है। जबकि पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन वन लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में हम क्या तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड्स होती है। जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल स्लाइड्स यहाँ पर ला देता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई स्लाइड्स हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड्स हम ऐड कर सकते हैं, और स्लाइड्स में हमारा जो होता है वो एनिमेशन या किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है। क्लियर है? तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा तीन स्लाइड लिखा है, बनाया है, तीन स्लाइड है दिख रही है आपको यहाँ पर, ये स्लाइड वन है, स्लाइड टू है, स्लाइड थ्री है। आप यहाँ पर होम टैब पर देखेंगे तो बहुत सारे कट कॉपी पेस्ट और ये सारे ऑप्शन अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीजें जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर, जैसे आप देखिए न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, तो स्लाइड कितने टाइप की होती है यहाँ पर देखिए, टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल एंड कंटेंट हो गया, ऐसे ही कंपैरिजन स्लाइड होती है। आप ध्यान दीजिए कंपैरिजन स्लाइड में दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, कंपैरिजन स्लाइड। क्लियर? इस तरीके से आप स्लाइड्स के टाइप भी पहले से डिफाइन कर सकते हैं, साथ में एक ब्लैंक स्लाइड दी हुई है। तो देखिए हम यहाँ पर एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लाइड के बारे में कुछ चीज बताऊं। स्लाइड में आप कोई चीज तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक उसके अंदर कोई बॉक्स नहीं बनेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। टेक्स्ट बॉक्स पर जब आप कुछ लिखेंगे तभी ये सारी चीजें एक्टिव होंगी, देखिए ये अलाइनमेंट और ये सब फॉन्ट वगैरह, अदरवाइज ये जब आप ऐसा स्लाइड पे जाएंगे तो इस पे कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो लिखने के लिए आपके पास एक इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है जिसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। जैसे मुझे ये सेकंड वाली स्लाइड में कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स से मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगा, उसके बाद ही लिख पाऊंगा यहाँ पर कोई चीज, ठीक है। तो लिखने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एनिमेशन हमको कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। मैं इंसर्ट में गया, यहाँ पर वर्ड आर्ट ले लिया मैंने, और कोई भी एक वर्ड आर्ट हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया और इसमें मैंने हैप्पी लिख दिया है, तीनों इसको ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैंक स्लाइड है, ये मेरा वर्ड आर्ट है जिसमें हैप्पी लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकेंड स्लाइड में मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिर इंसर्ट में जा रहे हैं, देखिए इंसर्ट वर्ड आर्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने लिखा न्यू, और आप चाहे तो इसको कुछ एनिमेशन वगैरह देना है या इस तरीके का कोई बैकग्राउंड देना है तो आप दे सकते हैं, या फिर हटाना है नॉर्मल लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वाले में मैंने लिखा साइट में गए, वर्ड आर्ट में गए और यहाँ पर लिखा, और एक और वर्ड आर्ट ले दिए, ला लिए हम लोग यहाँ पर जिसका 2021 लिख देते हैं।
मैंने तीन स्लाइड बनाई, पहले में लिखा हैप्पी, दूसरे में लिखा न्यू और तीसरे में लिखा ईयर। ठीक है, इसको मैं जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं देखिए, ये स्लाइड शो एक ऑप्शन होता है और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग, और इसका शॉर्टकट है F5, यानी कीबोर्ड में आप F5 दिखाएंगे तो ये जो स्लाइड्स है वो रन होने लगेंगी। जब आप इसको रन करेंगे तो ये सब फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये पहली स्लाइड है हमारी। उसके बाद आप माउस पे कोई क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे कोई भी बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, फिर माउस पे क्लिक करने से अगली स्लाइड आ जाती है। तो इस तरीके से तीन स्लाइड आई और तीनों स्लाइड चले गई, प्रेजेंटेशन हमारा खत्म हो गया। इसको और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो तो अच्छा दिखाई दे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, आपको यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड में कई सारे कलर्स दिखेंगे, उसके शेप्स दिखेंगे, तो आप ऐसा कलर ले सकते हैं, जो कलर अलग अलग कलर ले लीजिए, पिक्चर बैकग्राउंड ले सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो हर स्लाइड में वैसा ही बैकग्राउंड आ जाएगा। तो मैं एक सिंगल सिंगल बैकग्राउंड यहाँ पर ले लेता हूँ, क्लियर है, इसमें हैप्पी लिखा हुआ है। सेकंड वाले में मैंने गया यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड किया, और यहाँ पर कुछ और बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। थर्ड वाले में कुछ और बैकग्राउंड ले लेते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन जाएगा ये। देखिए तीन मैंने अलग अलग बैकग्राउंड लिया, ये स्लाइड वन है जिसमें हैप्पी लिखा हुआ है, स्लाइड टू है और ये स्लाइड थ्री है, क्लियर है। तो इस तरीके से अब जब मैं रन कराऊंगा, स्लाइड शो में गया फ्रॉम बिगिनिंग, ये देखिए पहली स्लाइड दिख रही है हमको जिसमें हैप्पी लिखा है, फिर एंटर करने पर न्यू और फिर एंटर करने पर ईयर 2021 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर है। आप देखिए मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग स्लाइड्स बनाई हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो तीन ऑप्शन आते हैं, दो तीन चीज़ें हमको सुनने के लिए मिलती है। पहला होता है स्लाइड ट्रांजिशन, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब पहले कोई स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होती है, स्लाइड पे चेंजेस आता है, तब उनके बीच में जो एनिमेशन होता है उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे स्लाइड वन से टू पे जाएंगे तो उनके बीच में जो एनिमेशन होगा उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर स्लाइड के ट्रांजिशन में कुछ ऐसा दिख रहा है, और साथ साथ उसका जो नाम है ना वो भी आपको याद रखना है। जैसे देखिए वाइप डाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो दूसरी स्लाइड है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अब आप इसको देख भी सकते हैं पीछे बैकग्राउंड पर, ये देखिए ऊपर से नीचे दिख रहा है। मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको वाइप डाउन को अप्लाई करता हूँ तो जब स्लाइड चेंज होगी, पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी तो वाइप डाउन इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी, वाइप डाउन इफेक्ट दिखाई दिया आपको, सेकेंड स्लाइड आई, थर्ड स्लाइड आई। तो पहली जब स्लाइड डिस्प्ले हुई है तो उसमें वाइप डाउन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वैसे ही सेकंड स्लाइड को मैं सेलेक्ट किया, एनिमेशन में गया, स्लाइड ट्रांजिशन, ये देखिए आप इसमें रख करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगेगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू दिखाता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, डिसॉल्व नाम है इसका, दो तीन का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, तो मैंने डिसॉल्व कर दिया और थर्ड वाले में मैंने वाइप अप कर दिया। ठीक है, देखिए तो मैंने स्लाइड ट्रांजिशन लगाया है, मैं बार बार उस वर्ड को फोकस कर रहा हूँ, स्लाइड ट्रांजिशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से, तो स्लाइड ट्रांजिशन वो इफेक्ट है या एनिमेशन है जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पर चेंज होती है, तो उन स्लाइड को चेंज करने के लिए जो बीच में एनिमेशन या इफेक्ट होता है उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और स्लाइड ट्रांजिशन कई टाइप के होते हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, वाइप के अंदर वाइप डाउन, वाइप लेफ्ट, वाइप राइट, आप इसके पर माउस का कर्सर रखेंगे तो उसका नाम दिखाएगा। साथ ही साथ ये देखिए अलग अलग टाइप के, मतलब वाइप के अंदर ही कितने सारे एनिमेशन दिख रहे हैं आपको,
बाद है पुश एंड कवर, ठीक है, ये काफी सारे स्लाइड ट्रांजिशन आपको दिख रहे हैं, एक एक को आप अप्लाई करके देखेंगे तो काफी अच्छे से एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ये स्लाइड ट्रांजिशन हमने देखा, अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या होगा। ये पहली स्लाइड आई, सेकंड स्लाइड आई, थर्ड स्लाइड आई, तो यहाँ पर मैंने स्लाइड ट्रांजिशन को अप्लाई किया है। आपको मेरे ख्याल से स्लाइड ट्रांजिशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक और चीज देख लेते हैं स्लाइड ट्रांजिशन के साथ साथ, हमारा जो हिस्सा होता है जिसका नाम है एनिमेशन, एनिमेशन वाला जो हिस्सा है वो यूज किया जाता है एलिमेंट्स के ऊपर, जबकि स्लाइड ट्रांजिशन यूज किया जाता है स्लाइड्स के ऊपर। क्लियर? तो अगर इस ये जो लिखा हुआ हैप्पी, इसको मैं कुछ एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो एनिमेशन, यानी कोई एनिमेशन नहीं है। कई सारे एनिमेशंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर एनिमेशन भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ कस्टम एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन की सेटिंग हम खुद कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट साइड में यहाँ पर एनिमेशन का पेन डिस्प्ले होगा। ये देखिए कस्टम एनिमेशन का जो ये पेन है डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर ऐड इफेक्ट में जा करके आप कई प्रकार के इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये एंट्रेंस इफेक्ट है। इन चारों का नाम याद रखिए, कस्टम एनिमेशन से नाम से क्वेश्चन आता है, आपको बताना होगा कि कस्टम एनिमेशन को चार कैटेगरी में बांटा गया है, एंट्रेंस, एग्जिट और मोशन पाथ और एम्फेसिस। ये चार कैटेगरी है। एंट्रेंस के अंदर आपको देखिए, जब मैं इसको क्लिक करूंगा कलर टाइपराइटर, देखिए इस तरीके से टाइपिंग होता हुआ दिखेगा आपको, या फिर मैं फ्लाई इन करूंगा तो ऐसा डिस्प्ले एनिमेशन होता हुआ दिखाई देगा। जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये, और ये ऐसा एनिमेशन हमको दिखाई दे रहा है। ये सारे ऑप्शंस जो है कस्टम एनिमेशन के अंदर आपको डिस्प्ले होंगे। क्लियर है? तो कस्टम एनिमेशन जो हमारा है वो हिस्सा भी हम अभी देखेंगे थोड़ा सा अप्लाई करके। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर ऐड किया है। अब मैं ये इफेक्ट जो है वो तीनों जो चीज है न्यू वाला, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं तीनों को एक ही जगह बना देता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, क्योंकि ठीक नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में इसको एडिट भी कर सकते हैं हम लोग। वर्ड आर्ट में गए, कुछ डार्क वाला यहाँ पर ले लिए न्यू, और मैं यहाँ पर फिर से ईयर वाले के लिए भी इंसर्ट ही कर लेता हूँ। वर्ड आर्ट में गए हम लोग, कुछ डार्क वाला जो है उसको इंसर्ट कर लेते हैं, और 2001 के लिए भी यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाला है इंसर्ट करते हैं 2021। अब देखिए मैं इसमें इफेक्ट लगा देता हूँ। पहला जो 1 2 लिखा हुआ है, ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें इस तरीके से इफेक्ट है हैप्पी में। फिर न्यू में मैं इफेक्ट लगाता हूँ, यहाँ पर गए एनिमेशन में गए कस्टम एनिमेशन, और यहाँ पर हमको कुछ इफेक्ट दिख रहा है जैसे प्लस प्लस इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर ईयर में गए, यहाँ पर कुछ इफेक्ट लगाइए आप, जैसे आपको और 21 में आप कुछ इफेक्ट लगाइए स्पिन। मैंने यहाँ पर देखिए 5 इफेक्ट लगाए हैं। पहला 2 इफेक्ट जो है वो हैप्पी में है, फिर न्यू में है, फिर ईयर में। इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसको रन किया और आपका न्यू आ रहा है, फिर ईयर आपका जो हो रहा है ग्रो हो रहा है, और 2021। इस तरीके का कोई एनिमेशन आप लगा सकते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। चलिए एक और एनिमेशन हम लगा के देखते हैं। मैं देखिए स्लाइड 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, स्लाइड 2 को 1 बना दिया। मैं इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा स्लाइड 2 था, 1 बन गया है। सबसे अच्छा जो एनिमेशन होता है वो आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो है, आप क्लिप आर्ट को इंसर्ट करिए। मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट में कार लिखा, ठीक है,
और कार लिखने के बाद आपके पास दो तीन कार आएगी, आप दो कार को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। कार को ऐड करने के बाद आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। तो इस कार को मैं और कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। दो कार हो गई है मेरे पास, और इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, फ्लिप एंड रोटेट का ऑप्शन भी है। ताकि अभी फिलहाल मैं एक ही डायरेक्शन में करके दिखाता हूँ कि ये दो कार है हमारे पास, और आप यहाँ पर कोई शेप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे रोड डिजाइन कर लिए, कोई इस टाइप का, कोई भी इंसर्ट में जा करके आपके पास शेप का ऑप्शन है। आप यहाँ पर काफी आसानी से किसी रोड का मैप वगैरह ये सब चीजें डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल डिजाइन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका रोड हो गया, मान के इस तरीके से रोड आपको ये एरिया दिख रहा है, और इसका कलर आप ब्लैक ले लेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, और ये आपका रोड जैसा कुछ डिजाइन करके दे देगा आपको, और इसको बिगिन टू फ्रंट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप डिजाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसा लाइन देकर के जैसा रोड जैसा दिखाई दे। ये अब मैं इसको एनिमेट कराना चाहता हूँ कि ये इधर से जैसे रोड पे जा रही है गाड़ी, उस टाइप से एनिमेशन कराना चाहता हूँ। तो मैं एनिमेशन में जाऊँगा, कस्टम एनिमेशन जो कि पहले से ओपन है, और यहाँ पर हमारे पास है मोशन बार। इसमें कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा ऑप्शन, ड्रॉ मोशन बार। इसमें ड्रॉ मोशन पाथ में हमको जो कर्व वाला ऑप्शन है वो मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने माउस को ले जाना है। जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे कार, वहाँ वहाँ पर जो है हिसाब से वो आगे बढ़ेगी और आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से वो कार जो है उस रास्ते पर एनिमेट करते हुए आगे बढ़ेगी। मैं फिर से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। अब आप इसकी स्पीड कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट, सॉरी, इसकी स्पीड में ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीड मीडियम, वेरी स्लो करेंगे तो धीरे धीरे जाएगी गाड़ी। ठीक है, सेम वैसे ही देखिए, मैं दोबारा एक बार इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने गया मोशन पाथ, ड्रॉ और कर्व। अब मैं यहाँ पर देखिए बहुत कम हल्का फुल्का इसमें चेंजेस ला रहा हूँ, ताकि ये स्मूथली जो है हमारा एनिमेशन दिखाई दे। डबल क्लिक करते ही हमारा जो एनिमेशन है वो दिख रहा है, ये काफी फास्ट है। मैं इसको वेरी स्लो कर देता हूँ, इस तरीके से गाड़ी जो है आपकी मूव करते हुए दिख रही है। तो काफी सारे एनिमेशन आप ऐसा बना सकते हैं, जैसे यहाँ से कुछ एक्टिविटी आ रही है, यहाँ पे कोई पर्सन आ रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक बार और बना के दिखा देता हूँ आपको, मैंने थर्ड वाले को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया है, और इसके साथ जो एनिमेशन था मैं उसको हटा देता हूँ फिलहाल। सेकेंड वाले को भी डिलीट कर दिया, थर्ड वाले को भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे कार है, और आप एक इंसर्ट करिए और क्लिप आर्ट में जाइए। यहाँ पर आप लिखिए मैन, काफी सारे मैन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप कोई एक एक्टिविटी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई पर्सन है, या आप ऐसा ऐड कर दीजिए, जैसे ये रोड पे वेट कर रहे हैं किसी का। अब आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप गए मोशन पाथ कर। अब आपको करना ये है कि यहाँ से यहाँ पर इसको रोकना है कार को, कार यहाँ पर रुकेगी, और इसको आप इफेक्ट को देख सकते हैं कि कैसा। तो इस तरीके से आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे एनिमेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था, हमने दो तीन पॉइंट अभी कवर किया। एक तो था एनिमेशन में स्लाइड ट्रांजिशन, दो स्लाइड के बीच में जब चेंजेस होता है तो स्लाइड ट्रांजिशन आता है, जबकि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एनिमेशन लगता है तो उसको हम कस्टम एनिमेशन बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन। तो
ये था एमएस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन।